Hey friends, search for TSP Education Hub. Subscribe to my channel and press the bell icon. Select all to get notification of my videos. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे स्टैंडर्ड 1 या 2 में हैं तो उन्हें नाउंस के बारे में कितनी जानकारी देनी है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें सॉल्व ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सिंपल लैंग्वेज में किसी के भी नाम को नाउन कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग यानी वस्तु। नेम्स ऑफ पर्सन में हो सकते हैं ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फ्रेंड्स, राम, फरहान, मैरी एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ प्लेसेस में हो सकते हैं नेम्स ऑफ सिटीज, नेम्स ऑफ टाउन्स, names of schools, names of forests, names of monuments, etc. names of animals में हो सकते हैं names of wild animals, जंगली जानवर, domestic animals, घर में पालने वाले जानवर, farm animals, farm में रखने वाले जानवर, sea animals, समुद्री जानवर, insects, birds and reptiles. Examples of thing यानि वस्तु के example में आएंगे names of furniture, stationery, kitchen appliances, health and hygiene के products, cosmetics, medicines, food items, electric appliances, vehicles, etc. आइए अब समझते हैं कि कॉमन नाउंस और प्रॉपर नाउंस क्या होते हैं। यहाँ पे हम दो नाउंस डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन नाउंस कैन बी कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि डॉग, हेन, बी। कॉमन नाउंस कैन बी नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगह के नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉन्यूमेंट्स, सिटीज। कॉमन नाउंस कैन बी नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तु के नाम को भी आप कॉमन नाउंस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, एक्सेट्रा। अब समझते हैं प्रॉपर नाउंस। प्रॉपर नाउंस आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, डेज ऑफ द वीक, नेम्स ऑफ बुक, names of mountains, rivers, lakes, oceans, etc. proper nouns special names होते हैं किसी भी इंसान के, किसी जगह के, animals के, दिनों के नाम, book के नाम, mountains के नाम, etc. example, यहाँ पे देखिए दो example हैं। इस picture को हम दो तरीके से describe कर सकते हैं, a girl is sleeping या फिर Rihanna is sleeping। यहाँ पे अ गर्ल में कोई भी गर्ल हो सकती है तो ये कॉमन नाउन है, और रिहाना अगर हम लिख रहे हैं तो रिहाना एक प्रॉपर नाम है किसी लड़की का, तो रिहाना होगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिटी कॉमन नाउन है, अगर सिटी का हम नेम ले रहे हैं जैसे कि न्यू दिल्ली तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, रिवर कॉमन नाउन, अगर रिवर का नाम ले रहे हैं जैसे गंगा, यमुना, तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। डे सिंपल डे बोलने से कॉमन नाउन, अगर हम डे के नेम्स बताते हैं सपोज फ्राइडे, संडे, तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। बुक कॉमन नाउन, अगर बुक का नाम है लाइक द कुरान, द बाइबल, तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। It's time for test now. You have to write proper nouns for the given common nouns.
यहाँ पे कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं, आपको इनका प्रॉपर नाउन लिखना है। आप इसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट लर्निंग डे।